हेलो एंड वेलकम यू ऑल, मैं हूं धनंजय। 5 अगस्त से बांग्लादेश में जो हो रहा वो तो हम सभी को पता है। एक प्रोटेस्ट जो कि प्राइमरीली रिजर्वेशन के खिलाफ था और वो स्लोली एंड ग्रेजुअली शेख हसीना की तरफ मूव कर जाता है और उसके बाद आज के डेट में बहुत ही टारगेटेड तरीके से बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को मारा जा रहा, उनके प्रॉपर्टीज को लूटा जा रहा और साथ में औरतों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी किया जा रहा और हम बहुत हद तक कह सकते हैं कि दुनिया खामोश बैठी है। आज जो बांग्लादेश में हो रहा इसकी जिम्मेदारी ऑलमोस्ट सभी की बनती है। कहने का मतलब है कि वहां के जो रूलिंग गवर्नमेंट थी उनकी भी बनती है, जो ऑपोजिशन में थे उनकी भी बनती है और मोर और लेस जो बांग्लादेशीज आज इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जो बढ़ चढ़कर इस वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको आने वाले दिनों में समझ में आएगा कि आज वो जिस प्रॉपर्टी को आग लगा रहे हैं वो प्रॉपर्टी एक्चुअली में उनकी ही थी। जहां तक बात किया जाए शेख हसीना के अवामी लीग पार्टी की, तो ये साल 2009 से लेकर साल 2024 तक सत्ता में रहे थे, यानी कि इसी महीने के 5 तारीख तक। तो इनके टाइम में ऐसे मल्टीपल रिपोर्ट्स आए थे जहां पे जो इनका मेन ऑपोजिशन पार्टी था यानी कि बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इनके जो लीडर्स थे उनको जानबूझ के जेल में बंद किया गया। बहुत सारे लीडर्स ऐसे भी थे जो आज के डेट में मिसिंग है। तो जब मैं कह रहा हूं कि मिसिंग है तो इसका मतलब है कि उनको मार दिया गया है, या यूं कह ले कि जब आप कहीं पे भी सरकार चलाते हैं या जब आप देश रन करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आपका ही सत्ता में रहना काफी है सरकार चलाने के लिए। आपके पास जब सत्ता आता है तो जितना ब्रूटल तरीके से आप दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं या उसको आप सप्रेस करते हैं, कभी ना कभी एक मोमेंट आएगा जब वो सैचुरेशन पॉइंट के पास पहुंच जाएगा और उसके बाद आपको सत्ता खाली करना पड़ जाएगा। तो एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हुआ है आज की डेट में शेख हसीना के साथ। और जहां तक बात किया जाए बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के बारे में, प्राइमरीली हिंदूज के बारे में, तो ऐसा है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप्स थे वो अवामी लीग को सपोर्ट करते थे, क्योंकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है ये प्राइमरीली इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत हद तक पाकिस्तान से इन्फ्लुएंस थे। और ये जो प्रोटेस्ट या जो तख्ता पलट हुआ है इसके पीछे पाकिस्तान के आर्मी और उसके आईएसआई का एक बहुत ही बड़ा रोल है। तो जब शेख हसीना देश छोड़ के चली जाती है या इनफैक्ट इंडिया आ जाती है तो वहां के जो टॉप लीडर्स थे अवामी लीग के उनको टारगेट किया जाता है और साथ में जो माइनॉरिटीज ग्रुप रहते हैं उनको भी टारगेट किया जाता है, उनके प्रॉपर्टीज को लूटा जाता है और मंदिरों को तोड़ा जाता है। और उसके बाद जो सबसे अजीब बात है वो ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो अपने आप को एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल अखबार समझता है, वो बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं उसके बारे में इनिशियली वो छापता है एंटी हिंदू वायलेंस, यानी कि बहुत ही टारगेटेड तरीके से हिंदूज को टारगेट किया जा रहा बांग्लादेश में। लेकिन ठीक उसके कुछ घंटे बाद इस टाइटल को चेंज करके वो लिख देता है रिवेंज अटैक। रिवेंज अटैक का मतलब क्या होता है कि पहले एक ग्रुप ने कुछ किया होगा और उसके बाद जब दूसरे ग्रुप को वक्त मिला या समय मिला तो वो फिर उस एक्शन का वो बदला ले रहा। तो यहाँ पे जब आप शब्दों का हेर फेर कर देते हैं तो जो पूरा सिचुएशन होता है वही बदल जाता है। वहीं पे अगर बात करें तो भारत में अगर नॉर्मली दो लोगों के बीच में उनके पर्सनल वजह से भी अगर क्लैश होता है तो न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार उसको बढ़ चढ़कर कॉम्युनल रंग दे देते हैं और एज अ रिजल्ट ये होता है कि जो पर्सनल मुद्दा होता है वो कहीं ना कहीं एक कॉम्युनल मुद्दा की तरह दिखना शुरू हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि भारत का जो इमेज है वो कहीं ना कहीं उसको डेंट पहुंचता है। अगर किसी को भी हमारे बीच ये लगता है कि क्या बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक हो रहे हैं क्या ये पहली बार हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब ये बांग्लादेश किसी टाइम पे पाकिस्तान का हिस्सा था और ठीक उससे पहले यानी कि 1947 के पहले भी जिस तरीके से पाकिस्तान देश की डिमांड की जा रही थी रिलीजन के बेसिस पे, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि वायलेंस उसी के वक्त से शुरू हो गया था। और हमारे सामने द संडे गार्जियन का डेटा है जहां पे आप देख सकते हैं कि 1940 से जो हिंदू का पॉपुलेशन है बांग्लादेश में वो लगातार डिक्लाइन हो रहा और ऐसा एस्टिमेट है कि आने वाले 30 सालों में जो वहां पे हिंदूज हैं वो बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। इसके पीछे का भी वजह है जैसा कि मैंने बताया कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिसको लीड करती है खालिदा जिया, इस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा जो इन्फ्लुएंस है वो पाकिस्तान और उसके आईएसआई का है। एक बात और याद दिला दूं कि जब बांग्लादेश का फॉर्मेशन नहीं हुआ था 1971 के पहले तो ये वही पाकिस्तानी आर्मीज थे जो बांग्लादेशियों को डिस्क्रिमिनेट करते थे और साथ में इनके साथ मास रेप किया गया था। उसके बाद जो बच्चे पैदा हुए थे उनके साथ भी फिर फर्दर डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। और बाय द वे ये सब चीज अगर आप थोड़े से अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि खालिदा जिया या वहां के जो लोग हैं, आज के जो प्रेजेंट जनरेशन के जो लोग हैं, उनको इतिहास पढ़ना चाहिए और उनको ये बात समझ में आना चाहिए कि आप अपने देश में जितना ज्यादा फॉरेन एलिमेंट्स को आप घुसाएंगे उतना ही ज्यादा आपके देश के अंदर पॉलिटिकल डिस्टरबेंस बढ़ेगा और जितना ज्यादा आपके देश के अंदर पॉलिटिकल डिस्टरबेंस बढ़ेगा उतना ही कम
आपको मौका मिलेगा अपने देश में इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए। तो जब आपके देश में इन्वेस्टर्स ही नहीं आएंगे तो आपकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, जिसका खामियाजा जो है वो आपको ही भरना पड़ेगा। उसके बाद अगर बात किया जाए तो यूएस के कांग्रेसमैन यानी कि यूएस एमपी राजा कृष्णमूर्ति वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन को कहते हैं कि आप डायरेक्टली मोहम्मद यूनिस से बात कीजिए और उनको ये बताइए कि किस टारगेटेड तरीके से हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहा, या इनफैक्ट जो मिनोरिटी ग्रुप है वहां पे बुद्धिस्ट भी हैं तो उनके ऊपर जिस तरीके से अटैक हो रहा है, ये बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। और जहां तक बात किया जाए माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक के बारे में, तो ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ इंडियन मीडिया ही छापे हैं, बल्कि इसको ऑलमोस्ट सभी वेस्टर्न कंट्रीज के जो मीडिया है वो छापे, इंक्लूडिंग बीबीसी और रॉयटर्स। और उसके अलावा भी अगर आप बात करें तो 2017 में भी बहुत ही टारगेटेड तरीके से वायलेंस हुआ था, जिसमें कि 107 जो हिंदू थे उनको मार दिया गया था और लगभग 37 के आसपास डिसअपीयर हो गए थे। ऐसा ही कुछ आपका 2013 में होता है और मोर ऑर लेस हम कह लें कि ये जो सिलसिला है वो ऑलमोस्ट चलता हुआ आ रहा, और इसीलिए ये कहा जा रहा कि आने वाले 30 सालों में वहां पे माइनॉरिटीज नहीं बचेंगे। एक बात याद दिला दूं कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, किसी टाइम पे पाकिस्तान को भी यही लगता था कि अगर उसका देश में सिर्फ एक ही रिलीजन के लोग रहेंगे तो वो देश काफी डेवलप करेगा। आज के डेट में भले पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन पाकिस्तान सर से लेके पांव तक एक बैंकरप्ट देश है, जिसको कि अब कोई भी देश लोन देना नहीं चाहता है। और अगर किसी भी तरीके से उसे आईएमएफ से लोन अगर मिलता भी है तो वो उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को लगाए जाते हैं। और जिस तरीके से वायलेंस किया जा रहा बांग्लादेश में आज के डेट में, ये वहीं के लोग रहेंगे जो सफर करेंगे आने वाले कुछ सालों में। और साथ में अगर रिलीजन को आप पॉलिटिक्स में इंक्लूड करेंगे तो वो एक बहुत ही डेडली कॉकटेल बनाता है, जिसका नुकसान आने वाले कई सालों तक आपको देखने को मिलेगा। और शायद यही रिजल्ट है कि 1975 से लेकर 2024 तक लगभग 29 तख्तापलट का कोशिश किया जा चुका है। ये भी बताता है कि आज के डेट में बांग्लादेश इंटरनली कितना डिस्टर्ब है। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।